नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी टॉपिक है हिंदी। हिंदी वर्णमाला में हम आपको मात्राओं के ज्ञान के बारे में बताएंगे। जैसे हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं आए की मात्रा वाले शब्द, आज हम आपको ओ की मात्रा वाले शब्द बताएंगे और ओ की मात्रा का पहचान कराएंगे। सबसे पहले ओ से होता क्या है? ओ से होता है ओखली। क्या होता है? ओखली होता है। ओ से ओखली कितनी सुंदर, कुछ भी कूटो इसके अंदर। गांव में ओखली देती जाए, गांव में ओखली देखी जाए, धान कूटने के काम आए। अब हम शब्द बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मात्रा का पहचान करेंगे। ये हमारा ओ की मात्रा, ओ की मात्रा ऊपर लगता, हमेशा ऊपर ही लगता है ओ की मात्रा। अब हम शब्द बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मोहन। क्या लिखा है? मोहन। माँ प्लस ओ की मात्रा क्या हो गया? मोह। क्या हो गया? मोह प्लस ह। अब हम प्लस को हटा देंगे और ह को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हमारे क्या हो जाएगा? मोह। क्या हो जाएगा? मोह हो जाएगा प्लस ना। अब हम ए भी प्लस को हटा के ह के बगल में ना को लिख देंगे, तो हमारे कौन सा शब्द बन जाएगा? मोहन। क्या हो गया ये? मोहन। दूसरा देखते हैं क्या है। सा प्लस ओ की मात्रा। अब हम ये प्लस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? सो प्लस हा। अब हम ये प्लस को हटा के हा को ला के सो के प्लस बगल में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? सोह। क्या हो जाएगा? सोह प्लस ना। अब हम ए भी प्लस को हटा के हा के बगल में ना को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर सोहन। क्या हो गया? सोहन शब्द बन गया। तीसरा देखते हैं क्या। रा प्लस ओ की मात्रा तो क्या हो गया? रो। अब हम ये प्लस को हटा दिए और यहाँ पे मात्रा लगा दिए तो क्या हो गया हमारा? रो प्लस सा। अब हम ये प्लस को हटा के सा लिख दिए इसके बगल में, रो के बगल में, तो हमारे क्या बन गया? कौन सा शब्द? रोज। क्या बन गया? रोज प्लस ना। अब हम ए भी प्लस को हटा देंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा? रोशन। हमारा कौन सा शब्द बन गया? रोशन। अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल BRD शिक्षण सेवा संस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। अब हम वाक्य बनाएंगे। चलिए वाक्य बनाना स्टार्ट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? मोहन। क्या हो गया ये? माँ पर ओ की मात्रा मो ह न। क्या हो गया? मोहन। ये क्या लिखा हुआ है? सोहन। सपोरोग मंती सो ह और न। क्या हो गया? सोहन। सा पर बड़ा की मात्रा सा और था। क्या हो गया? सात। आ पर बड़ा मंत्रा आ और ये क्या लिखा हुआ है? या लिखा हुआ है। या पर ए की मात्रा। क्या हो गया? आए। संग। अब देखिए यहाँ संग लिखा हुआ है, संग पे अंक की बिंदी, अंक का मात्रा लगा हुआ है, जो हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। इस मात्रा का पहचान हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। जैसे ये ऊपर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे इसका मात्रा हमेशा ऊपर लगता है, ये बिंदी की तरह होता है, अंक का ये मात्रा है। संग, तो ये क्या लिखा हुआ है? संग में रोशन। किसको लाए? रोशन को लाए। अब देखो इसको हम पूरा पढ़ते हैं एक लाइन में। मोहन सोहन साथ आए, मतलब मोहन और सोहन दोनों साथ में आए, संग में रोशन को लाए। और अपने साथ किसको लाए? रोशन को लाए, साथ में रोशन को लाए। थैंक यू।